दिल्ली से फूको, मैं अपने दोस्त के साथ पहुंच चुका हूं। अभी वो साकेत पीछे खड़ा हुआ है, चेक इन की लाइन में लगा हुआ है। लगभग हमें 4.5-5 घंटे लग गए पहुंचने में। एक्सपेक्टेड टाइम था 4.5-5 घंटे का, लेकिन 5 घंटे के आसपास लग ही गए। फ्लाइट उड़ी भी लेट थी तो फिर लैंड भी लेट ही हुई। और जब निकले थे दिल्ली से तभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब देखो ये देखो पीछे, अब देखते हैं जिस तरीके का मौसम है मुझे उस हिसाब से लग नहीं रहा कि हम कैसे मतलब बीच वगैरह एक्सप्लोर करेंगे या केबल कार और जो हमारा 3 आइलैंड टूर है वो सब कैसा रहता है। अभी देखते हैं, अब बस चेक इन करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि होटल कैसे है। हमारे होटल का नाम है द पामी बीच रिजॉर्ट। हमने लगभग 2400 रुपये पर नाइट के उससे बुक किया है और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ये है हमारे होटल का रिसेप्शन एरिया, पामी बीच रिजॉर्ट फूको। अभी भी साकेत चेक इन में ही लगा हुआ है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, रिसेप्शन से एंटर करते ही स्विमिंग पूल है और ये जस्ट स्विमिंग पूल के बाद इतना ये हमारा होटल है और हमारा 5th फ्लोर पर रूम है विद ओशन व्यू। अभी चेक इन करके मैं दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है और कैसा रूम है होटल का। सो ये हमारा होटल की लॉबी है और अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अवर रूम, ला पामी बीच रिजॉर्ट। अब मैं आप लोगों को बालकनी और बालकनी से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। और साकेत आपको कैसा लग रहा है? जिंदा महसूस हो रहा है। फाइनली 5 घंटे की फ्लाइट के बाद अब हम होटल पहुंच चुके हैं। फ्लाइट भी लेट थी यार, फ्लाइट भी बहुत लेट थी हमारी, 1.25 घंटा लेट थी फ्लाइट। चलो, क्या जबरदस्त व्यू है हमारे होटल की बालकनी से बाहर का, बिल्कुल एकदम बीच के पास ही है और मौसम भी बहुत सही हो रहा है। बहुत देर से बारिश हो रही थी, अब जाके बारिश रुकी है और मुश्किल से हमें आधे या 1.25 घंटे बाद ही निकलना है हमारे आइलैंड टूर के लिए। तो बस पीछे साकेत जो आराम करने लगा है, मैं भी चेंज करता हूँ फिर निकलेंगे। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है इन्फिनिटी, पीछे ओशन व्यू है, साथ में 8th फ्लोर पर स्विमिंग पूल बना हुआ और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। बहुत ज़्यादा मतलब मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं एक्सपेक्ट किया हुआ था। जब लैंड करे थे तब तो बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन अब मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। फूको के हमारे 3 आइलैंड टूर में हम पहुंच चुके हैं थॉम आइलैंड साकेत के साथ। साकेत बहुत ज़्यादा खुश है वियतनाम आके, मुझे पता नहीं चल पा रहा क्यों। अरे कुछ पहली ट्रिप पे आया है। हाँ, मेरी इंटरनेशनल पहली ट्रिप है, लेकिन साकेत बहुत ज़्यादा खुश है। इंटरनेशनल भाई, ये हम पीछे भी आए स्पीड बोट में। This is the first beach place in our 3 island tour at Phuko, Thoms Island. आप देख सकते हैं पीछे बीच। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बीच काफ़ी छोटा सा है, मतलब आपको आप अगर देखोगे यहाँ पे जितना आपको मेरे पीछे से दिख रहा है बीच, और उसके अलावा यहाँ जितना पीछे तक दिख रहा है मोस्टली बीच इतना ही है, बाकी और ऐसा कुछ खास करने के लिए भी नहीं है। लेकिन यार ठीक है, पानी वगैरह बहुत साफ है, बाकी एक्टिविटीज़ हैं तो एंजॉय किया जा सकता है। अभी ये तो खैर हमारा पहला आइलैंड ही है, अब यहाँ थॉम आइलैंड के बाद देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। अभी इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30 बज रहे हैं, जो कि वियतनाम से लगभग 1.5 घंटा पीछे है। तो हमारे यहाँ पे मतलब वियतनाम में अभी 11 बजने वाले हैं फूको में, और मुझे लग रहा है कि ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं मिलने वाला, जो कि हमारे पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि फूको में नॉनवेज बहुत ज़्यादा है, और अभी हम सुबह जब आए तो हमने आधा ही घंटा रेस्ट करा, तो हमको कुछ खास अभी एक्सप्लोर करने को भी नहीं मिला कि क्या क्या चीज़ें हमें वेज खाने के लिए अवेलेबल मिल सकती हैं। बट अभी हम शाम को 6-6:30 बजे पहुँच जाएंगे, तब हम एक्सप्लोर करेंगे कि वेजिटेरियन मील्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो कि कुछ नहीं है।
सो हमारी वेज मील लग चुकी है और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख के तो खैर बड़ा अजीब सा लग रहा है, सैलड वगैरह तो ठीक है, एक आइटम है जो समझ नहीं आ रहा, अभी देखते हैं खैर क्या है। सो हमारी वेज मील लग चुकी है, एक ये हमारे पास यहाँ पे मिक्स वेज टाइप मुझे सूप सा लग रहा है, एंड देन वी हैव दिस सैलड, और ये अभी हम पूछेंगे कि क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। बाकी और हमारे पास एक और सूप ही टाइप है, और ये चावल के साथ खाने के लिए है क्योंकि दूसरा आइटम हमारे पास चावल है। तो वेज में तो खाने के लिए खैर यही चीज़ है हमारे पास सिर्फ। पीछे टेबल भी दिखा, बहुत कुछ है। हमारे पैकेज में हमारा लंच जो था वो इंक्लूडेड था। इसमें मेरे को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ सही लगा, बट सिर्फ और सिर्फ जो ये ग्रीन वेजिटेबल है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा, बट जो स्पाइसेस वगैरह थी वो बहुत सही थी। और ये जो है ये सोयाबीन और मटर का कुछ मिक्सचर है जिसके अंदर सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा था, और ये सूप जो इन्होंने हमें दिया चावल के साथ खाने के लिए, तो इसके अंदर भी हमारा क्या था, थोड़ा सा नमक कम था। एंड दिस, इसके अंदर हमारा घिया, प्याज, भिंडी, गाजर, ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, और इसका टेस्ट में भी क्या था, नमक बहुत ज़्यादा था। तो यही चीज़ का ही पता चला है कि किसी चीज़ में इन्होंने नमक या तो बहुत ही कम डाल रखा है और किसी में बहुत ही ज़्यादा डाल रखा है। तो एट लास्ट हमें सर्वाइव करने के लिए हमने ऑमलेट ही लेना पड़ा था। लिटरली अगर आप पानी के अंदर देखेंगे तो आपको नीचे तला तक दिख रहा है, इतना साफ पानी है सारे एंड पे। अपने थ्री आइलैंड टूर के अब हम सेकंड आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। तो मोस्टली ये आइलैंड, इस आइलैंड में बीच कम है, रॉक्स ही ज़्यादा हैं। अभी बैक कैमरे से भी आपको पूरा दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खाली है। बाकी का जो सारा क्राउड है वो दूसरे रूट पे चला गया, मैं और साकेत ही सिर्फ इसी रूट पे आए हैं। और भाई साकेत मजा आ रहा भाई, बहुत बढ़िया। पिछले वाला आइलैंड ज्यादा अच्छा लगा, ये वाला यार ये बेटर है बहुत। चलो साकेत को ये अच्छा लगा, मेरे को तो पिछला ज्यादा अच्छा लगा था, उसमें थोड़ा बीच वगैरह था, यहाँ तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। थर्ड आइलैंड पे स्नॉर्कलिंग करके अब हम पहुंच चुके हैं अपना फोर्थ आइलैंड पे। यहाँ पर वाटर पार्क है, अभी इस वाटर पार्क को हम एंजॉय करेंगे, और इसके बाद साथ ही में हमारी टिकट है केबल कार से वापसी की भी। जस्ट अभी हमने यहाँ वाटर पार्क में एंट्री करी है, अभी देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या है। सो फाइनली हमने वाटर पार्क में एंजॉय कर लिया है, राइड्स वगैरह की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन राइड्स सारी बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन को ख़राब होने का डर था। खैर, और ये हमारे गाइड मुन, मुन से हाय, इन्होंने मुन ने हमारी बहुत हेल्प करी, पूरे टाइम हमारे साथ थे। अब ये लास्ट हमें बस केबल कार तक छोड़ने के लिए जाएंगे, एंड देन वहाँ से हमें कैब छोड़ देगी। और अब जो हम केबल कार में जाएंगे वो 8 किलोमीटर लंबी है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट केबल कार है। और ये रहा साकेत, वी एंजॉयड अ लॉट, ये देख सकते हैं साकेत को मजाक कर रहा हूँ, यही है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल कार। अपने होटल से 1.5 किलोमीटर चल के हम पहुँचे थे शेरे पंजाब रेस्टोरेंट पे, सोचा था आज इंडियन डिनर करेंगे, बट शेरे पंजाब रेस्टोरेंट पे कुछ खाना नहीं मिला, उसने कहा कि अब ख़त्म हो चुका है। तो अब हम 1.5 किलोमीटर और आगे जा रहे हैं गणेश रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ कि क्या क्या खाना अवेलेबल है, कैसा प्राइस है, कैसा टेस्ट है। खैर इंडियन है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था, मतलब आई कैन गिव 3 आउट ऑफ 10। तो साकेत आप कैसा कहना चाहेंगे भाई,
पेट भरना है तो आदमी कुछ भी खा सकता है, लेकिन वो खाना बस चावल खाए थे मैंने उसमें से यार। साकेत ने चावल खाए थे और हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा ऑमलेट भी खा लिया था जिसमें नमक बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नमक नहीं था, ठीक है। मतलब हम एक होता है देखो नॉन वेजिटेरियन, वो तो इजीली सरवाइव कर लेगा, एक होता है वेजिटेरियन, उसको थोड़ा मुश्किल है करना, ठीक है, फूको में तो एटलीस्ट, क्योंकि आज हमारा पहला दिन और हम फूको में हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, हम वेजिटेरियन हैं लेकिन हम अंडे खा लेते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा, हमारे लिए सर्वाइव करना थोड़ा बेटर रहा कि हमने अंडे बिना नमक वाले भी खा लिए जैसे तैसे, फिर भी सोया सॉस के साथ। चलो अब गणेश रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, फिर वहाँ देखते हैं। शेर पंजाब पे जाया जा रहा है, क्योंकि ये भैया आ गए शेर पंजाब से और कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको खिला ही देंगे, आप आए हो तो वो वाली वीडियो मैं ऐड तो कर ही दूंगा, क्योंकि हम देखो जा तो रहे ही थे, उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमें बीच में से पिक कर लिया गया, हम वापिस शेर पंजाब जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। यहाँ पर भी इन्होंने इन्फिनिटी पूल बना रखा है और ब्रेकफास्ट का मुझे काफ़ी अच्छा लगा हुआ और ठीक ठाक ऑप्शंस हैं वेजिटेरियन भी, तो अभी मैं वो भी रिकॉर्ड करता हूँ। और साथ में ऑमलेट तो वेजी बन रहा है तो अपन ये तो लेंगे ही लेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है खैर मेरे पास अभी खाने के लिए। चल तो हम अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने लगे हैं फ्रूट्स के साथ। तो अभी साकेत ड्रैगन फ्रूट दे रहा और हमारे पास क्या ऑप्शन है अभी देखते हैं, डाल डाल, ठीक है। इसके अलावा वी हैव पाइनएप्पल हेयर, सैलड के लिए हमारे पास कैबेजेस हैं और साथ में म्यूनीज है, और यहाँ पे टोमेटो है, खीरा है और एक क्या है वाटरमेलन। तो फ्रूट सैलेड के अंदर हमारे पास यही ऑप्शन है, मैं आपको पैक करके दिखा देता हूँ। एरिया बहुत ही अच्छा है और पीछे बिल्कुल ओशन व्यू है, वहीं पे बैठ के अभी हम नाश्ता करेंगे। ब्रेकफास्ट तो मतलब काफ़ी सही लग रहा है, अब मैं बस खाने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे शेफ़ से पूछ लिया था कि क्या क्या चीज़ें वेजिटेरियन है, तो मैंने सिर्फ वो ही ली हैं, जिसमें से स्टिकी राइस और वेट केक मैंने और ऐड कर लिया था खाने में। उसके अलावा हमारे पास वेज नूडल्स हैं, तो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं आपको वीडियो में अटैच करके दिखा दूँगा। एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वेट केक, मुझे पता नहीं कि है क्या वो, देखते हैं। साथ में थोड़ी सी उसके सॉस भी थी, वो भी ऐड ऑन कर दी थी। दिस इज वेट केक, स्टिकी राइस भी अच्छे हैं, वेट केक भी सही है, टेस्ट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कल रात को हमने जो खाया था इंडियन रेस्टोरेंट में, अगर वो स्किप भी कर दिया जाए तो मतलब अब तक की हमारी ट्रिप की मेरे को लग रहा है सबसे बेस्ट मील तो यही है, क्योंकि एक तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं और टेस्ट वगैरह हर चीज़ का काफ़ी ठीक है। इतना ज़्यादा बढ़िया व्यू है जहाँ ब्रेकफास्ट करने आए हैं, जो इन्हीं का पामी बीच रिजॉर्ट का ब्रेकफास्ट एरिया है, पीछे ओशन व्यू इतना बढ़िया है जहाँ पे हमने पीछे ब्रेकफास्ट किया, उसके साथ एक और इन्फिनिटी पूल। मतलब सच में बहुत सालों बाद मैं बीच पे आया हूँ और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साकेत कैसा लग रहा भाई, आप थाईलैंड गए थे उसके बाद से वो कैसा लग रहा है, यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है फूको में? यार वियतनाम और थाईलैंड में बोलूँगा बहुत अलग एक्सपीरियंस है, बट बीच के हिसाब से, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से? यार वेदर यहाँ का बहुत अच्छा, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, थाईलैंड में हवा तेज़ नहीं थी, बट थोड़ा सा यहाँ पे बीच गंदे हैं, थाईलैंड में साफ सफाई बहुत थी इसके मुकाबले, थोड़ा सा यहाँ का एक ये नेगेटिव पॉइंट है, बट ओवरऑल जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं थाईलैंड गया तो वियतनाम नहीं जाऊँगा, उसे एक बार जाना ही जाना चाहिए। देखो भाई
है वो जरूर रखना। मतलब मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे थे जो 10-10 दिन के लिए भी वियतनाम आ रहे हैं, किसी ने भी अपने उसमें फूको ऐड ही नहीं कर रहा, और हमारा पहला ही स्टॉप फूको था। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, मुझे नहीं पता कि आपको आवाज़ देने से आ भी रही होगी नहीं आ रही। हम फूको के प्रिजन पहुंच चुके हैं, ये एंट्रेंस है और यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने मेमोरियल टाइप भी बना रखा है यहाँ पे, और इंसेंस स्टिक वगैरह पड़ी हुई है वो जला सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और दिखाऊंगा मैं आपको प्रिजन का सारा लुक। ये फ्रेंच का जब यहाँ पे रूल था उस टाइम पे बनाया था, और जो वियतनाम के लोगों को यहाँ पर बंदी बनाया गया था उसी के लिए यहाँ पर ये प्रिजन है, और मतलब दिखाया गया कि किस तरीके से उन्हें रखा था एंड सो ऑन। अभी वही चीज़ मैं कवर करूँगा आगे जाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लेयर्स लगा रखें कि कोई भी प्रिजनर निकल ना जाए। 32,000 प्रिजनर्स से 40,000 प्रिजनर्स के आसपास यहाँ रखा जाता था। ये प्रिजन की किचन है, यहाँ पे प्रिजनर्स को फोर्सफुली खाना भी बनाने के लिए कहा जाता था, एंड देन लकड़ियाँ भी वही लाते थे, पानी वही लाते थे, सब कुछ उनसे ही करवाया जाता था। थोड़ा लाइट कम है इसलिए मैं फ्रंट कैमरे का भी यूज़ नहीं कर रहा, बैक कैमरे से वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रिजनर्स को अलग अलग तरीके की सजाएं दी जाती थी, जलाया जाता था, मारा जाता था, बहुत ही मतलब ये देखो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। खैर आप प्रिजनर या प्रिजन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये देखो इसका सर यहाँ से घसीटा जा रहा है, किसी के हाथ काटे जा रहे हैं, तो खैर ठीक है। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना दी हैं प्रिजन की, वो मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे बहुत ही तरीके के अलग अलग मतलब टॉर्चर्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब इवन जो यहाँ पर डमीज़ बना रखे हैं उनके साथ ही जैसे टॉर्चर हो रहा है, मेरे से तो ढंग से वही नहीं देखा गया, तो मैंने खैर ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया, जस्ट कि प्रिजन कैसा है। मतलब आपको यहाँ के वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिलेगा अगर आप यहाँ पर आएंगे, कि किस तरीके से यहाँ पे टॉर्चर वगैरह हुआ, बहुत ही मतलब बहुत बुरा टॉर्चर हुआ। मैं तो मतलब यही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं मेरे पास। सो अब हम लोग पहुँच चुके हैं साओ बीच पे। दिस इज साओ बीच। लॉन्ग बीच के मुकाबले तो ये काफ़ी सही लग रहा है, बाकी हमने पूरा भी लॉन्ग बीच एक्सप्लोर किया भी नहीं था।